बर्थडे माय डियर फेवरेट है सर के सर आप जियो जितनी मुझे गिनती नहीं आती उतने साल। आई लव यू सो मच, यू आर माई फेवरेट एक्टर इन होल बॉलीवुड। मैं अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर बोलती हूँ कि शाहरुख खान सर मेरे फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि जो भी एक्टिंग करता है, डांसिंग करता है, उसकी कोई ना कोई आइडल जरूर होते हैं। जैसे कोई माधुरी मैम को पसंद करता हो, मुझे भी माधुरी मैम बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कोई कोई ऐसा होता है ना जिसके फेवरेट एक्टर होते हैं, वो आइडल होते हैं, उनसे देखकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो पहले मैं बैठ जाती हूँ, फिर आप सबसे तो आज बहुत सारी बातें करनी है मुझे, इसीलिए मैंने हुडी भी पहना, न्यू हुडी रेड कलर का, ताकि लाइट अच्छा है, और फेस पर लिपस्टिक भी लगाया, सॉरी लिप्स पर लिपस्टिक लगाया, फेस पर लिपस्टिक थोड़ी ना लगाया जाता है। तो आज 2nd November है, टुडे इज 2nd November एंड दिस डे गाइस, दिस सिंगल डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी SRK लवर। अगर आप शाहरुख खान सर के फैन होंगे ना, जादू तेरी नज़र खुशबू मेरा बदन, जादू तेरी नज़र खुशबू तेरा बदन, और कुछ होता है, और हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अभी मैं शाहरुख खान सर के सॉन्ग भी गाऊंगी, कुछ सॉन्ग मेरे फेवरेट सॉन्ग। एक्चुअली मुझे तो शाहरुख खान सर के सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, बट कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो मुझे मेरे दिल को टच करते हैं, जो सॉन्ग सुनकर मैं शाहरुख खान सर की बहुत बड़ी फैन बन गई और उनको अपना आइडल मानने लगी। तो सबसे पहले शाहरुख खान सर को विश करेंगे, और सबसे पहले मैं मोबाइल का कैमरा रखूंगी क्योंकि मेरा हैंड बहुत दुखने लगा। रुक जाओ। और आप सब जो मेरे लॉन्ग वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मेरे फेवरेट शाहरुख खान सर का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो सबसे पहले मैं उनको बहुत सारी विशेस देना चाहूँगी। एक्चुअली एक स्टोरी बताऊँ आप सबको, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे शाहरुख खान सर बिल्कुल नहीं पसंद थे। पता है क्यों आप सबको नहीं पसंद थे? क्योंकि उनको बोला जाता है कि वो रोमांस के किंग है, रोमांस के बादशाह है, वो अपनी फिल्मों में ज़्यादातर आंखों से ऐसा वार करते हैं कि रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा मैंने उनको मूवी में देखा भी था, जब मैंने उस मूवी को देखा, और फिर काजोल मैम के साथ भी उनकी जोड़ी हिट थी नो डाउट, तो मैंने उस बहुत सारी मूवी काजोल मैम के साथ देखी। तो मुझे ना शाहरुख खान सर ऐसे, मुझे ना पहले ये रोमांटिक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती थी, उतनी समझ में नहीं आती थी, मतलब मैं बकवास समझती थी इन सारी चीज़ों को। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक एक्टिंग है, क्योंकि मैं भी अपने वीडियोज़ में जो शॉर्ट्स वीडियोज़ होती है उसमें भी जो रोमांटिक सॉन्ग रहते हैं उसमें भी अपना फेस का रिएक्शन रोमांटिक करती हूँ, जब मुझे रोमांटिक सॉन्ग पर वीडियो बनानी होती है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक काम है, एक्टिंग है। एक्टिंग में बहुत डिफरेंट लेवल के एक्टिंग होती है, जैसे इमोशन, रोमांस, फीलिंग्स। तब मुझे शाहरुख खान सर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, सच्ची बता रही हूँ। मैंने उनकी एक्टिंग को ऑब्जर्व किया, नॉट डांस, नॉट गुड लुकिंग पर्सन, नॉट एवरीथिंग। मैंने बस उनके एक्टिंग को नोटिस किया, उनके आंखों को नोटिस किया, उनके अदा को नोटिस किया, क्या एक्शन देते हैं मतलब अपनी मूवी में। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तो इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। सो मुझे वही चीज़ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। सो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और ये वीडियो हो सके तो नहीं जाएगी, आई नो डैट ये वीडियो शाहरुख खान सर के पास तो नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा फेमस तो हूँ नहीं, और पता नहीं कब मेरी किस्मत खुलेगी, कब मैं फेमस होंगी और कब मैं शाहरुख खान सर से मिलूंगी। खैर यहाँ पर अपना रोना नहीं रोते हैं। और मैंने बोला था ना गाइस आप सबको लास्ट में मैं शाहरुख खान सर का एक फेवरेट सॉन्ग, मेरा जो फेवरेट है, मैं वो सॉन्ग सुनाऊंगी। तो वैसे तो मुझे शाहरुख खान सर का हर सॉन्ग अच्छा लगता है, नो डाउट उनके सारे सॉन्ग हिट होते हैं, क्योंकि उनके सारे सॉन्ग में ज़्यादातर आपको कुमार सानू सर और उदित नारायण सर देखने को मिलेंगे। तो अब उनके गले की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, और उसमें से शाहरुख खान सर का एक्शन, उनकी आंखें अमेजिंग। तो चलिए मैं शाहरुख खान सर का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। वैसे आप सब कमेंट कर सकते हो अगर मेरी वॉइस अच्छी लगी आप सबको, तो आप सब कमेंट करोगे तो मैं शाहरुख खान सर का एक दो और सॉन्ग वीडियो में सुना सकती हूँ। बट पहले मैं अपनी फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ। मैं तो जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है ना शाहरुख खान सर की, ये लगती है तुम पास आई अंजलि, जैसा मैंने ऐसा हुडी भी पहना तो चलता है। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान सर का इस मूवी में एक्शन,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं शाहरुख खान सर को विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे माय डियर फेवरेट बॉलीवुड स्टार, यू आर आइडल फॉर मी फॉर एक्टिंग एंड यू आर इमोशन फॉर मी एंड आप ऐसे बॉलीवुड में तबाही मचाते रहिए। चाहे बॉलीवुड में कितने एक्टर हैं, न्यू आए पुराने आए, बट आपका जो लेवल है यूँ ही बरकरार रहे। आप हमेशा बादशाह कहलाए बॉलीवुड के, सबके जुबान पर आपका नाम रहे। जैसे चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम, ऐसे ही रहे आपका हमेशा नाम। बस यही मेरी दुआ है भगवान जी से आपके इस बर्थडे पर और आपके हर बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे मेरे फेवरेट माय डियर फेवरेट एस आर के सर, आई लव यू एंड वी लव यू आल्सो, बाय बाय। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड थैंक्स फॉर आप सब मुझे मेरे लॉन्ग वीडियो को जो प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। हो सके तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय। और हो सके तो ये बताइए मेरी हुडीज़ कैसी लग रही है, हुडी कैसी लग रही है, नॉट हुडीज़, अच्छी लग रही है ना, और मैं कैसी लग रही हूँ।